आज है मेरा डे 28 30 डेज ट्रैवल चैलेंज का दिल्ली से कन्याकुमारी, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। और आज भाई 28वां दिन हो गया, मतलब 3 दिन बचे और मुझे कन्याकुमारी पहुंचना है। और एक दिक्कत ये है कि ना कोयम्बटूर से डायरेक्ट कन्याकुमारी का कुछ भी सीन नहीं है, मतलब तुम्हें पहले एलपी जाना पड़ेगा, एलपी से भी डायरेक्ट नहीं है, तुम्हें फिर त्रिवेंद्रम जाना पड़ेगा, फिर वहां से तुम्हें कन्याकुमारी जाना पड़ेगा। इसलिए आज मुझे एलपी के लिए निकलना ही था, इसलिए मैं बैग वैग लेके निकल चुका हूँ, गांधीपुरम बस स्टैंड जा रहा हूँ। वहां से सरकारी बसों का पूछूंगा कि कौन सी एलपी जा रही है, मतलब हर आधे घंटे में बस जाती है तो कोई दिक्कत नहीं ऐसी, इसलिए गांधीपुरम पहुंच जाते ताकि ना वो आधे घंटे वाली जो बस अभी निकल रही होगी ना वो मैं पकड़ सकूं। और गांधीपुरम यहाँ से है 4 किलोमीटर दूर, तो उसके लिए भी एक बस पकड़नी पड़ेगी, तो जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ रहा है यार। तो मैं गांधीपुरम पहुंच गया था और बहुत जल्दी पहुंचा ताकि लेट ना हो जाऊं। और गांधीपुरम बस स्टॉप के ना पीछे 50 मीटर पीछे KSRTC का बस स्टॉप है, मतलब केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो वहां से तुम्हें केरला की सारी बसें मिल जाती है, जैसे कि मुझे एलपी की बस मिल गई है और इसका किराया 330 रुपये, और ये गवर्नमेंट बस है तो भाई अच्छे टाइम पे मिल गई है और ऐसे बस मिल जाती है। देखो तो अभी हम यहाँ कहीं रुके थे 10 मिनट के लिए, बस तो रोका ताकि भाई चिप्स ले आया, चिप्स खा जाऊँगा भाई की, और ये भी ले लिए भाई, खा लो ना चिप्स, चिप्स खा लो भाई। 7 घंटे में से 2.5-3 घंटे निकल चुके हैं और मतलब अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, इतने लंबे रास्ते में खड़ी सीटों पर बहुत दिक्कत होती है, पर अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने ना अभी एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पे चार्जिंग का जुगाड़ भी है, और मैं ना जब से सोचे जाता गया 7 घंटे तक बैटरी नहीं चलेगी, क्योंकि मैं फ़ोन चला रहा हूँ भाई बस में बैठ बैठ के, मतलब टाइम पास ऐसे होता है ना फ़ोन चला के, पर अब मेरे पास जुगाड़ है मैं जिससे चार्ज कर सकता हूँ, ये भाई ने मुझे दिखाया, तो देखते हैं 2.5 घंटे निकल के बाकी घंटे वैसे निकल। और केरला में एंट्री कर चुके हैं और देखो भाई एंट्री में ही कितने क्या बढ़िया पेड़ है और सामने पहाड़ देखो, मतलब ग्रीनरी है यार केरला में, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और पेड़, इतने घने जंगल निकल रहे हैं यहाँ से, मतलब अच्छा तो लग रहा है कि साइड तुम्हारे दोनों साइड जंगल है, ग्रीनरी अच्छा दिख रहा है, सामने पहाड़ दिख रहा है, पर रास्ता बहुत दूर है, मतलब रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा यार। KSRTC की बस में चढ़ोगे तो ये ध्यान में रख लेना, ये बड़े बड़े स्टॉप पर रोक के चलेगा, मतलब ये नहीं कि ये बाहर से बस स्टॉप के ले जाए बस, भाई सवारी चढ़ भी नहीं रही है तब भी इसने अंदर ला के रोक दिया है, 10 मिनट रोकेगा फिर लेके जाएगा पता नहीं क्या। तो बस वापस चल पड़ी है, अब यहाँ पे इसका चार्जिंग का इस्तेमाल कर लेते जो मैंने इतनी देर से की नहीं है, और अब यार ज़्यादा, और ये देख लो दिन में निकले थे, भरी दोपहरी में निकले थे और रात हो चुकी है अब, और अभी भी कहीं नहीं पहुँचे, क्यों? क्योंकि ना यार ये ना शहरों की गलियों में अंदर कर देता है बस, ये नहीं कि मतलब बाहर से हाईवे से निकाल लो, देखो क्या बढ़िया क्या है, घर है क्या ये, ये तो घर है इतना बढ़िया। और ये वाली फिल्म थिएटर में देखा ना, इसका नाम है, हाँ तो ये फिल्म है, इसका नाम आपने सुन लिया, ये देखा ना। तो अभी एर्नाकुलम बस स्टेशन है, यहाँ पर हम कोची में रुके, तो अब यहाँ शायद से मेरे को लग रहा है ज़्यादा देर तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये बीच में लास्ट स्टॉप है मेरे हिसाब से होना चाहिए, जिस पे ज़्यादा हम ब्रेक ले सकते हैं, बाकी यार बहुत देर हो गई है, मतलब 2 बजे से निकला हूँ और अब देख लो 8:30 बज रहे हैं, तो 8 बजे भी देख लो अभी तक पहुँचे नहीं है, तो अभी और 1 घंटा 1.5 घंटा दिखा रहा है मैप पे, पर ये ना शहर के अंदर ले आए केरला में, तो और ज़्यादा दिक्कत हो रही है, अगर हाईवे से निकालता तो जल्दी पहुँच जा रही है, सवारियाँ उठा रहा है बीच में से, तो यहाँ दिक्कत हो रही है। अब एक बात तो सही है कि ना मैक्सिमम 10 मिनट बस रोकता है, उससे ज़्यादा नहीं रोकता, जैसे देखता है कि ना आदमी एंजॉय करने लग गया स्टॉप पे वैसे वापस बुलाता है ताकि बस में थका सके। और ये है देखो केरला के बैक वाटर्स, यहीं पे वो शिकारा और बड़ी बोट चलती है, रात में भी सही लग रहा है यार, देखो लाइटिंग वाइटिंग पूरी हो रखी है, सही जुगाड़ है, वो देखो शिकारा खड़ा है भाई। 8.5 घंटे की जर्नी के बाद फाइनली LEP में एंट्री कर ली, मतलब LEP में रुक गए हैं अब, तो अब यहाँ से मुझे कोई हॉस्टल देखना है, पर मैंने गलती कर दी यार, मुझे ना बाहरी रोड पे मेन रोड पे उतर जाना चाहिए था, अब हम अंदर आ गए हैं बस स्टॉप पे, और यहाँ से ना मतलब बाहर जाने के लिए 3 किलोमीटर दूर है, फिर वहाँ से हॉस्टल, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, मैंने नेट पे चेक नहीं किया, तो आप ज़रूर चेक कर लेना, मतलब बस स्टॉप थोड़ा अंदर है तो आपको बाहर ही हॉस्टल मिलेंगे। तो भूख बहुत तेज़ लग रही थी तो मैंने रुक के अंडा करी खा ली है और चपाती, मतलब चपाती अपनी जैसी नहीं थी, पर ये है कि हाँ सब्जी खाई है इस बार, मतलब डोसा इडली के अलावा चावल के अलावा, तो अच्छा लगा, मतलब थोड़ा चेंज लगा, बाकी 60 रुपये की थाली थी, मतलब अंडा करी और प्लस 3 रोटी, तो ये था भाई साहब। बाकी अब हॉस्टल की ओर निकल रहा हूँ, एक हॉस्टल है फंकी आर्ट हॉस्टल, जिसका रेंट 300 रुपये है, जाके मुझे बार्गेनिंग करानी पड़ेगी, पर उस तक पहुँचने के लिए 4.5 किलोमीटर का रास्ता है, तो वो देखता हूँ यार कैसे करना है, मतलब पैदल या कोई लिफ्ट दे दे तो अच्छी बात है, पर रात हो रखी है, लिफ्ट लेने में थोड़ा सा डर लगता है। मैं ना चुपचाप चलते चलते आ गया हूँ, मतलब ज़्यादा लोगों की तरफ देखा नहीं, वैसे सेफ लगा मुझे पूरा रास्ता, तो मैं यहाँ पे एक डॉर्मेट्री में आ गया हूँ, थोड़ा घर जैसा है, तो यहाँ पे मुझे अंकल मिले, तो ऊपर की ओर चलते हैं, एक बार बेड देख लेते हैं, और नॉन एसी कर रहे हैं क्योंकि पैसा नहीं यार इतना,
और 4-5 दिनों से नॉन एसी में ही चल रहे हैं हम, क्योंकि पैसा नहीं है और इसकी वजह से थोड़ी सी नींद भी थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। बाकी रास्ता देख लूँ, बिल्लियाँ कूकू कर रही है। तो सेकंड फ्लोर पे और ये घर जैसी डॉर्मेट्री है, मतलब ये मैंने पहली बार देखा है। तो डॉर्मेट्री फाइनल कर ली और मैंने ना भी पैसे नहीं दिए, मतलब ये मेरी स्कीम क्या रहती है ना कि ना उनको बोलो कि अगले दिन देता हूँ, ताकि ना जब तक लोग तुम्हें जान जाए, और जब तुम्हें लोग जान जाते हैं ना तो डिस्काउंट भी करते हैं और कभी कभी माफ़ भी करते हैं। तो ये मैं स्कीम करता हूँ। बाकी गर्मी बहुत है यार, और नॉन ए सी यहाँ पे पता नहीं ना, चिपचिपी गर्मी बहुत ज़्यादा है केरला में। तो जुगाड़ करते हैं, बाकी सुबह मिलते हैं क्योंकि थक गया हूँ। तो कल मैं 10:30 बजे LAP पहुँचा हूँ, करीब 8.5 घंटे बस में बैठ के, वो भी गवर्नमेंट वाली बस में बैठ के, जिसमें ना कमर एकदम सीधी होती है। तो पर यार कल इतना ज़्यादा पता नहीं चला क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी बहुत ठीक थी, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। पर फिर भी यार सस्ती टिकट थी तो करना पड़ा, मतलब 330 रुपये में तुम कोयम्बटूर से LAP आ सकते हो सरकारी बस में। बस टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, अगर मैं कोई प्राइवेट बस लेता तो 4-4.5 घंटे बचा देती, और वही मुझे 600 से लेके 900 तक रुपये देने पड़ते, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। तो मैं गवर्नमेंट बस में ट्रैवल करना प्रेफर कर रहा था क्योंकि पैसे नहीं थे भाई। बाकी जो यहाँ के मैंने डॉर्मेट्री ली थी ना, मतलब मैंने उनसे बोला कि मैं आपको कल सुबह पैसे देता हूँ, मेरे पास अभी ऑनलाइन नहीं है और कार्ड है मेरे पास, ATM कार्ड है, झूठ बोला, ताकि वो मुझे सुबह तक रहने। तो सुबह रहने के बाद मैंने उनसे बोला मेरे पास 100 रुपये है, मैं 1 रुपये में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आप मेरी क्या मदद कर सकते हो। तो उन्होंने बोला यार मदद तो मैं कर सकता हूँ, अभी 100 रुपये दे दो और अब यहाँ से अगले कहीं और जुगाड़ देख लो। तो उन्होंने मुझे निकाल दिया, पर ठीक है एक रात रहने भी दे 100 रुपये में, नॉन एसी था वैसे, तो ठीक है यार, मतलब 100 रुपये मेरा निकल गया तो मैं इसे जुगाड़ कर सकती हूँ। और आज जिस मैं डॉर्मेट्री में गया हूँ, मैं वो एक नंबर डॉर्मेट्री ना यंग लड़का है, तो मैं उससे बात कर सकता हूँ, मतलब उसको समझा सकता हूँ। पैसे मैंने उसको भी नहीं दिए अभी, सेम कि ATM से पैसे निकाल के देता हूँ, सामान रख के निकल जाऊँ वहाँ से उनकी नज़रों के सामने। बाकी वीडियो कैसी लगी, मतलब ये थोड़े ट्रैवलिंग में वीडियो निकल गई, मैं कुछ दिखा नहीं पाया। बाकी मैं जर्नी दिखा रहा हूँ ना, मतलब कि कौन सी बस पकड़ो, कैसे पकड़ो, टाइमिंग वगैरह सब बता दी मैंने आपको। तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना कि तुम प्राइवेट बस लोगे या सरकारी बस लोगे। बाकी इन्जॉय करो।